नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं आपका मित्र कमल नंदलाल और मैं आप सभी दर्शकों का वेलकम करता हूं आपका गुडलक राशिफल में। सिर्फ ऐसा हो सकता है। तो चलिए मेष से लेकर मीन राशि के राशिफल के साथ साथ आपको बताते हैं राशि अनुसार उपाय। प्रोग्राम के बीच के अंदर आपको बताएंगे आपके जन्मदिन का विशेष उपाय और प्रोग्राम के लास्ट में आपको बताएंगे आज का स्पेशल गुडलक उपाय। प्रोग्राम की शुरुआत करेंगे आज के पंचांग से। तो आज बुधवार का दिन है, तारीख है 9 अक्टूबर 2019। अश्विन शुक्ल एकादशी पर चंद्रमा मकर राशि और धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे। आज का भाग्यांक रहेगा 4, शुभ रंग रहेगा आज का नीला, शुभ दिशा रहेगी नैऋत्य। राहु काल रहेगा दोपहर 12:08 से लेकर के दोपहर 1:35 तक। पंचक जो रहेगा दिन और रात रहेगा, भद्रा रहेगी सुबह 6:22 से लेकर शाम को 7:19 तक। और विशेष क्या है, पापन कुशा एकादशी है। तो चलिए राशिफल की शुरुआत करते हैं, लेकिन इससे पहले बात करेंगे आज के स्पेशल गुडलक उपाय की। आज के गुडलक उपाय की क्या करें आप, हरे कपड़े में नारियल और मिश्री बांधकर विष्णु मंदिर में चढ़ाएं, इससे मानसिक नेगेटिविटी दूर होगी। तो चलिए बात करते हैं मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज दिन आए आपके लिए बहुत निर्णायक रह सकता है। ऑफिस में नए अधिकार आपको मिल सकते हैं। क्रिएटिव कामों में रुचि बढ़ सकती है आपकी। जरूरी सामान की शॉपिंग भी कर सकते हैं और बुजुर्गों की राय मानने पर आपको लाभ भी होने की संभावना है। एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिए, वो यह है कि तुलसी के पौधे पर मीठा दूध चढ़ा दीजिए। बात करते हैं राशि नंबर 2 वृष यानी कि टॉरस की। बारे में वृष राशि वालों, दिन बहुत रोमांचक रह सकता है आपके लिए। नए प्रोग्राम के लिए एनर्जेटिक रह सकते हैं। लव अफेयर को लेकर काफ़ी एक्साइटेड रहेंगे। प्रमोशन या सैलरी बढ़ने के भी आसार नज़र आते हैं। बस चीज़ ये करें कि समय का लाभ ज़रूर उठाएं। एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें, वो ये करें कि मूंग के दानों पर चंदन लगाकर तिजोरी में रख दीजिए। बात करते हैं तीसरी राशि मिथुन यानी जेमिनी की। मिथुन राशि वालों, दिन थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहेगा आपके लिए। थोड़ा बहुत धन लाभ होने की संभावना भी है। प्रोफेशनल मुद्दे हल हो सकते हैं। छोटे मोटे काम भी आपको बहुत प्रॉफिट दे सकते हैं। आज घर में अनमैरिड लोगों के शादी की बातचीत चल सकती है। एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें, वो ये कि दूध में मिश्री मिलाकर पिएं, बहुत लाभ होगा। बात करते हैं चौथी राशि कर्क यानी कि कैंसर की। सफलता संकेत दे रही है, मूड आपका अच्छा रहेगा। विरोधियों और आलोचकों पर ध्यान ना दें, सोशल सर्किल में मेलजोल बढ़ेगा। एक छोटा सा काम जरूर करें, हरे मूंग के दाने जो है उसको सिराने रखिए, लाभ जरूर होगा। बात करते हैं पांचवी राशि सिंह यानी कि लियो की। दिन आर्थिक रूप से आपके लिए बहुत लाभकारी रह सकता है। दूसरों को सुनकर और समझकर पॉलिसी बनाइए, जरूर सफलता मिलेगी। आत्मसंतोष भी मिलेगा। ऑफिस में टीम वर्क से कठिन प्रॉब्लम का हल भी निकलेगा। एक छोटा सा उपाय जरूर कीजिए, वो ये तुलसी पत्ते पर चंदन लगाकर पर्स में रखिए। बात करते हैं छठी राशि कन्या यानी कि वर्गों की। कन्या राशि वालों, खुद को सिद्ध करने के लिए आज आपको मौके मिल सकते हैं। दिन बहुत चैलेंजिंग रह सकता है आपके लिए। मिले हुए मौकों को पहचान कर अपनी ड्यूटी निभाएं। बहुत कड़ी मेहनत से उपलब्धियां जरूर हासिल हो सकती हैं आपको। आसपास का माहौल भी आपका खुशनुमा बना रहेगा। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, वो ये कि 2 रुपये के सिक्के पर गोरोचन लगाकर जेब में रख लीजिए। तो फ्रेंड्स, अब समय है आज के बर्थडे के गुडलक उपाय का। क्या करें आप, इलायची हाथ में लेकर ओम पद्मगर्भाय नमः इस मंत्र का जाप कीजिए, इससे हेल्थ में आपके सुधार जरूर आएगा। बात करते हैं राशि नंबर 7 तुला यानी कि लिब्रा की। आज वाद विवाद में जीत आपकी पक्की हो सकती है। बिजनेस के सिलसिले में सलाहकारों की जरूरत पड़ सकती है। नए डील साइन करने से पहले तकनीकी पहलुओं को अच्छी तरह समझ लें, ये सलाह है आपके लिए। एक छोटा सा उपाय जरूर करें, शिवालय में देवी पार्वती पर मेहंदी चढ़ाएं, बहुत शुभ लाभ मिलेगा आपको। बात करते हैं आठवीं राशि वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो की। दिन जिम्मेदारियों भरा रहेगा। ऑफिस और पारिवारिक जिम्मेदारियां अच्छी तरह से निभाएंगे। घरेलू पेंडिंग काम पूरे हो सकते हैं। शाम में आप लव मेट के साथ में घूमने फिरने का प्लान बना सकते हैं। शाम अच्छी गुजरेगी आपकी। एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें, वो ये कि आज विष्णु मंदिर में 2 रुपये का सिक्का चढ़ाकर तुलसी पर रख दें। बात करते हैं
राशि नंबर 9 धनु यानी सजिटेरियस की। पुरानी देनदारी चुकाने में आप कामयाब रहेंगे। घरेलू सामान की आज शॉपिंग कर सकते हैं, बस खर्चों का आज थोड़ा ख्याल रखें। ऑफिस में आपके ओरिजिनल आइडियाज़ पसंद किए जाएंगे। एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें जिससे आपको लाभ होगा। आज विष्णु मंदिर में मिश्री और सुपारी चढ़ा दें। बात करते हैं दसवीं राशि मकर यानी कि कैप्रिकॉर्न की। आपका जो डेली शेड्यूल है वो बहुत बिजी रहने जा रहा है। ज़रूरी फ़ोन कॉल्स और ईमेल्स का जवाब आपको देना पड़ेगा। पुराने दोस्त अचानक से आपको आज मिल सकते हैं। उधार की लेन देन से आपको बचना है। सेविंग्स पर अपने ध्यान रखें। एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें दिन को बेहतर बनाने के लिए। किसी गरीब कन्या को 2 रुपये का सिक्का दान कर दीजिए, लाभ होगा। बात करते हैं 11वीं राशि कुंभ यानी कि एक्वेरियस की। समय काफ़ी कंफ्यूजिंग रह सकता है आपके लिए। रिश्तेदारों से छोटी मोटी लेन देन करनी पड़ सकती है। अकस्मात कोई मुआवजा आपको मिल सकता है। पार्टी में पुराने फ्रेंड्स के साथ में आपको समय गुजारना पड़ेगा। एक छोटा सा उपाय ज़रूर करें, वो ये करें कि किसी गरीब महिला को रुमाल दान कर दीजिए, बहुत शुभता आएगी आपके जीवन में। बात करते हैं 12वीं राशि मीन यानी कि पाइसेस की। समय आपके लिए बहुत इंथुजियास्टिक रह सकता है। नौकरी से संबंधित जो समस्या आपकी चल रही है उसका हल भी निकल सकता है। कंपटीशन में जीत के आसार हैं उन स्टूडेंट्स के लिए जो सरकारी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। प्यार के लिहाज से दिन बहुत अच्छा है। आज ऐसी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि आप शाम का समय, रात का समय भी अपने लवर के साथ गुजारेंगे। उसे आप कैंडल लाइट डिनर पर भी ले जा सकते हैं। एक छोटा सा उपाय ज़रूर कीजिए, वो ये कि गाय को हरा धनिया खिलाइए। इससे आपको सफलता ज़रूर मिलेगी हर काम में। तो फ्रेंड्स, अब समय आज के स्पेशल गुड लक उपाय का। क्या करें आप, भगवान विष्णु पर 11 साबुत सुपारी चढ़ाएं, प्रोफेशनल सक्सेस जरूर मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक देखते रहें एस्ट्रो तक। और अपने फ्रेंड कमल नंदलाल को इजाजत दीजिए। नमस्कार।